गाइस, अगर फेमस रियलिटी शो बिग बॉस का इतिहास उठाकर देखा जाए तो यहाँ प्यार, मोहब्बत, याराना, दोस्ताना, ये सारे इमोशंस नजर आए हैं। हर सीजन में कोई ना कोई ऐसी दोस्ती होती है जो हर किसी को भा जाती है। याद दिलाएंगे आपको, गौतम गुलाटी जिस सीजन के विनर बने उसमें P3 जी थे। उसके बाद जब मनु पंजाबी, मोनालिसा और मनवीर गुज्जर का सीजन आया तो वहां पर बन गए M3 यानी M3। उसके बाद हिना खान, लव त्यागी और प्रियांक शर्मा, इनकी तिकड़ी भी आपको याद होगी। दीपिका कक्कड़ और श्रीसंत, भाई बहन का कभी ना टूटने वाला रिश्ता, उसमें भी रोमिल, सुरभि, दीपक, इन सबका याराना था। तो याराना तो बिग बॉस के इतिहास में हमेशा देखा गया है। इस सीजन में हालांकि दोस्ती काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हुई है। जो शुरुआत में दुश्मन थे वो फिनाले करीब आते आते तक कभी ना बिछड़ने वाले दोस्त बन गए हैं। ऐसी ही दोस्ती रश्मि और आसिम की बनी, लेकिन रश्मि आसिम की दोस्ती में सिद्धार्थ शुक्ला ने नो डाउट एक मेजर रोल प्ले किया है। कैसे भाई, ना तो सिद्धार्थ आसिम से लड़ते ना आसिम रश्मि के पास जाते। खैर, इनकी दोस्ती पर एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया रश्मि देसाई की मम्मी का, और उसके बाद इन दोनों की दोस्ती को सपोर्ट करते हुए जनता क्या कह रही है, क्योंकि जनता तो सर्वोपरि है, रियलिटी शोज में मालिक तो जनता है। तो रश्मि आसिम की दोस्ती पर जनता क्या कहती है और इनकी दोस्ती को लेकर टीवी इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज क्या कहते हैं, इनके इस याराने पर रश्मि देसाई की मम्मी रसीला क्या कहती है, ये तमाम जानकारियां हम आपको देंगे अपनी बेहद खास रिपोर्ट के जरिए। सुनिए जरा, आ रही है रश्मि देसाई को लेकर एक बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें, रश्मि देसाई और आसिम रियाज जैसे जैसे बिग बॉस सीजन 13 फिनाले के करीब पहुंचा, आसिम की दोस्ती रश्मि के साथ हो गई। आसिम ने हर किसी के खिलाफ जाकर रश्मि का साथ दिया है, और तो और जब माहिरा, पारस या सिद्धार्थ किसी ने भी रश्मि के खिलाफ कुछ कहने की कोशिश की, आसिम रियाज आ गए आगे। यानी आसिम ने काफी ज्यादा दोस्ती रश्मि देसाई के साथ निभा ली है। एक वक्त तो ऐसा आया जब विशाल आदित्य सिंह, रश्मि देसाई और आसिम रियाज की तिकड़ी को लोगों ने काफी ज्यादा प्यार देना तक शुरू कर दिया। अब इन सबके बीच में हम इस खास रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आसिम रियाज हर जगह तेजी के साथ छाते जा रहे हैं। आसिम हर जगह हर किसी का दिल जीत रहे हैं। रश्मि और आसिम की दोस्ती सबको भा रही है, लेकिन रश्मि की माँ आसिम से काफी ज्यादा खफा हो गई है। जी हाँ, मम्मी जी हो गई हैं आसिम रियाज से काफी ज्यादा खफा। कनेक्शन वीक के दौरान याद होगा आपको, आसिम का कनेक्शन बन के घर में आई थी हिमांशी खुराना। हिमांशी ने आसिम को अरहान खान से जुड़ी कुछ बातें बताई, जिनका सलमान खान ने भी काफी ज्यादा विरोध किया। सलमान खान ने भी कहा कि इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। अब उसके बाद जब हिमांशी को सवालों के घेरे में रश्मि ने खड़ा किया, आसिम अचानक से रश्मि का साथ छोड़कर ऐसा लग रहा था जैसे हिमांशी के लॉयर बन चुके हैं। अब घर के अंदर भी इसे लेकर बातें हुई, बाहर लोगों ने भी आसिम को क्रिटिसाइज किया। आसिम का ये एक्शन रश्मि की मम्मी रसीला देसाई को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। जी हाँ, रश्मि की माँ रसीला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए एक इंटरव्यू को शेयर किया है, और ये रश्मि का फैन पेज है। हालांकि मम्मी रसीला ने अपने इंटरव्यू में कहा, आसिम को अपनी गर्लफ्रेंड का सपोर्ट करना था, आसिम ने किया भी, लेकिन मुझे अच्छा लगता अगर वो मेरी बेटी का सपोर्ट करता। मुझे अच्छा लगता अगर आसिम इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में रश्मि का सपोर्ट करता, हालांकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। खुशी होती है मुझे ये देखकर कि अभी भी वो मेरी बेटी का दोस्त है। अगर वो हिमांशी को सपोर्ट ना करके रश्मि का साथ देता तो मैं और भी ज्यादा खुश हो जाती। यानी रश्मि देसाई की मम्मी भले ही अपनी बेटी और आसिम की दोस्ती से खुश हो, लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी रसीला को बुरा तो लग रहा है कि प्यार के चक्कर में आसिम दोस्ती भूल बैठे। अब आगे बढ़ते हैं, आपको
रश्मि और आसिम से जुड़ी एक ऐसी खबर के बारे में बताते हैं जो बिग बॉस की इमेज को काफी ज्यादा अफेक्ट कर रही है। दरअसल गाइस, बिग बॉस को लेकर रश्मि और आसिम ने इनडायरेक्टली सवाल उठाए जिसकी वजह से सलमान खान इन्हें टोक चुके हैं। सोशल मीडिया पर अब खबर आ रही है बिग बॉस के खिलाफ, क्योंकि लोग रश्मि और आसिम को ही सपोर्ट कर रहे हैं। बिग बॉस बायस्ड है, अपने रूल्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी जो यहां पर सुनने में आई है उसे लेकर लोगों ने कहा है, सही बोल रहे हैं रश्मि और आसिम, तुम लोग बायस्ड हो, सारे रूल्स इनके टाइम याद आते हैं तुमको। दिस इज रियली बुलशिट सीजन ऑफ बिग बॉस, एज एन ऑडियंस डोंट वॉन्ट टू सी फेवरेटिज्म और हॉर्स शिट ऑन द नेम ऑफ रियलिटी शो। Why can't Colors TV see the efforts, honesty, dedication of Asim Riaz, who is playing actual game? His efforts for show are getting ruined by makers. तुम लोग biasedness की हद पार करते हो। रश्मि और स्टार बॉय आसिम के टाइम ही क्यों? Colors TV आपके so-called नियम पे तो पूरी दुनिया क्वेश्चन कर रही है। आज finally you were called out for who you really are, biased. लगता है इस सीजन के नियम सिर्फ आसिम और रश्मि पर लागू हैं। दूसरों के लिए अलग नियम बनाए हैं शायद बिग बॉस ने, सबको ऐसे लगता या मुझे ही। स्टार बॉय आसिम, यहां पर रश्मि और आसिम ने जो अपनी नाराजगी बिग बॉस के नियमों के खिलाफ जाहिर की, उस पर बिग बॉस ने इनके खिलाफ इन्हें चेतावनी तो दे दी, लेकिन सच तो ये है कि अब भी सोशल मीडिया पर लोगों को लग रहा है कि आसिम और रश्मि के साथ बिग बॉस नाइंसाफी कर रहे हैं, जानबूझकर आसिम और रश्मि को इतना ज्यादा नेगेटिव दिखा रहे हैं, जानबूझकर इनके खिलाफ जाकर शुक्ला जी का सपोर्ट कर रहे हैं। खैर आपको बता दे, रश्मि देसाई के करीबियों का ये कहना है, रश्मि की मम्मी का इंटरव्यू हमने आपको बता दिया, रश्मि देसाई के पहले पति नंदिश संधू से जब बिग बॉस की बायस्डनेस और बिग बॉस के गेम प्लान को लेकर सवाल किया गया तो नंदिश ने कहा, मैं तो ये सीजन फॉलो ही नहीं कर रहा। हालांकि नंदिश के साथ साथ और भी कई सितारे हैं जो बिग बॉस के सीजन 13 से तौबा तौबा कर चुके हैं।